हे गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू अवर न्यू ब्लॉग। सुबह उठते उठते ही मेरा बाबू का ट्रायल हो रहा है। हमें ना थोड़ा सा ना ये चक्के में ना थोड़ा सा फॉल्ट आ रहा है। थोड़ा चला आगे चलाओ, ये जैसे आगे आता ना ये चक्का घूम जाता। देखो घूम गया ना वो चक्का अपने आप ही, मतलब इसका व्हील घूमे जा रहा है। ये सर तो हमने वहां पर देख कर लिया था और पूरा सेट करवा कर लिया था, बट घर में हमने जब बाबू का बिठा करके थोड़ा सा चलाया ना तो थोड़ा सा फॉल्ट नजर आ रहा है उसके व्हील में। तो अगर घर पे ठीक हो गया इन लोगों से व्हील तो ठीक है, नहीं तो हम चेकअप के लिए वापस से ले जाना पड़ेगा। बाहर नहीं जाना क्या? जाना तुम लोग रेडी हो जाओ, बस मैं हो जाऊंगा। दो मैं रेडी हो जाऊंगी आज, लेकिन केटीएम सीखूंगी ना मैं। केटीएम सीखूंगी ना, केटीएम हां केटीएम चलाना भी तो सीखूंगी। हां तो सीख लेना। तो चलना फिर। आज पता है मेरे को बहुत ज्यादा मन था केटीएम बाइक सीखने का, लेकिन नालायक पति ने मेरे को केटीएम बाइक सिखाने को क्या उसने बोला तक नहीं कि हां आज सिखाऊंगा। आज से कुछ दिन पहले मैंने पंकज के चैनल पे ना एक छोटा सा रील्स बनाया था, उसमें मैंने केटीएम चलाया था। मैं थोड़ी बहुत अच्छी चलाना जानती हूँ, बट मेरे हाथ में ज्यादा कंट्रोलिंग नहीं है। तो मैं सोच रही हूँ मैं सीखूँ, मोटो ब्लॉगिंग वगैरह स्टार्ट करूँ। चले चलो चलो। मैं अपने ब्लॉग में पता आपको बुराई कर रही थी। हाँ वैसे बुराई करने लायक ही है मेरा पति, एकदम नालायक नालायक पूरा, कोई काम का नहीं है। पता है इसने मेरे को बोला ये मेरे को केटीएम बाइक सिखाएगा चलाना, और साथ में मेरे को आज साड़ी का शॉपिंग करवाने लेकर जाएगा। दस तारीख का बोला हो गया घंटा, एक नंबर का खटिया इंसान है। आज पंकज का काम योगेश कर रहा है गाड़ी साफ करने का। इतने सारे सामान पड़े हैं इधर हमारे, कैमरा वैमरा रील शूट करने के लिए। एसी चलाओ यार, सबसे पहले तो एसी चलना चाहिए। आते ही मेरा नाक पे पसीना आने लग गया। सबसे पहले गाड़ी जहाँ पर गर्मी, जैसे गर्मी आता है पता मेरे फेस में सबसे ज्यादा पसीने कहाँ से आते हैं? यहाँ नाक पे आता और यहाँ मूछें बन जाती है पसीनों। ऐसे बकवास मत कर, तो फालतू के बोल रहे ना, तू मेरे से मुंह मत लग, ज्ञान दे रहा। चलो पहुंच गए हम लोग। इतना कम स्पेस है निकलने के लिए, बता इतने कम खड़ी नहीं करनी आती। वही तो गाड़ी इधर हमारी पार्क हो चुकी है और हम लोग आज इधर शूट करेंगे मस्त पार्क में। आज देखो कितना मस्त पार्क है, एकदम ग्रीनरी ग्रीनरी हो रहा है। ये पार्क फर्स्ट टाइम आए हम लोग आज। ऐसे पता यहाँ नहीं, इससे पहले आए एक बार, पता है वहाँ पर बैठे थे हम लोग साल भर, ये लोग गाड़ी सीख रहे थे। अच्छा हाँ हाँ याद आया मेरे को, याद। तभी बाबू छोटू सा एकदम छह महीने का नहीं, मतलब 3 महीने का था तभी बाबू। अरे तो गेट एंट्री तो वो है, उधर इधर से भी है उधर से भी है। इन लोगों को देखो कितना फास्ट फास्ट जाया जा रहा है, पता ही लग रहा है कि कहाँ पर शूट करवाएगा। किधर जाना है? इतनी दूर से उतनी दूर आवाज नहीं जाती। लोकेशन ये तो अच्छी है यार, ये कितनी प्यारी तो लग रही थी ये लोकेशन, यहाँ पर बनाने में मजा भी आएगा। हाँ ये वाला लोकेशन, ये वाला। सो गाइस फाइनली हमने अपना रील शूट कर लिया, एक हमने शूट कर लिया, शूट कर लिया नहीं एक कंप्लीट किया, और उसमें भी आधे एक घंटे लग गए। इतना टेक मैंने नहीं लेता भाई, मैं तो ऐसे कर देता हूँ फटाफट से। देखो एक रील शूट हो चुका है, अभी एक दो और रील शूट करना है। बट एक बात और पता है, हमारे जैसे एक दो और टिकटॉकर आए, मुझे हाइट बढ़ा तेरी, पता है क्या ऐसे बात करते ना तो ऐसे देख, मैं तो ऐसा ऐसा आंखें तो आती नहीं है। ऐसे करके बात करनी पड़ेगी आप लोगों से मेरे को, क्या करूँगा झुकने की। बकवास मत कर, मैं तेरे से गुस्सा निकल जा मेरे ब्लॉग से। पता क्या मैंने सोचा था मैं पुष्पा बनूंगा, लेकिन क्या करूँ इसका ब्लॉग में आना झुकना पड़ेगा ना। कुछ भी है, वैसे मैं इसे गुस्सा बिना बात मेरे ब्लॉग में आ रहा, मानोगे ना? नहीं आ रहा, मैं आज के बाद इसके व्लॉग में नहीं दिखूंगा गाइस। पैकअप हो गया गाइस हमारा, अब सारे कुछ पैक वैक करेंगे, उसके बाद सीधा निकलेंगे घर। आज गाइस रील शूट करके सच में बहुत ज्यादा मजा आया। तो आज पता हमने कम से कम 5-6-7 रील शूट किया है हमने। क्या झुक के चलना पड़ता साला, मेरा ऐसा ब्रेकअप हो चुका है अभी, मेरा पति नहीं है, पतीला है साला, कोई काम कर लिया ना। वैसे तो मेरे को बाहर जाने का और कहीं मन है, कहाँ लेकर जाएगा? बस कर सामने मत कर, चलो वाह ये बोलने का कोशिश कर। अभी हम लोग आए हैं यहाँ पर खाने पीने के लिए, अब देखते हैं मैं क्या क्या खाती हूँ। मेरे को बहुत ज्यादा मन है एग रोल खाने का। आज हमने इतना ज्यादा डांस किया ना, इतना ज्यादा डांस किया कि खड़े रहने का 1% भी मन नहीं करता हमें। प्यास लग गया है लेकिन मेरे को भयानक हो रहा है। पता है हमने खाना कब खाया था? ऑलमोस्ट 2:30 बजे के आसपास खाना खाया और अभी शाम के 6:30 बज रहे, तो अब भी हम लोग खाएंगे एग रोल। से पहले हमारा कोक ही आ गया। अभी दीदी हमारी रोल लेके आ रही है हम तीनों के लिए। मेरा रोल तो मेरे पास है, अब मेरे पास खाने की कमी नहीं है, बहुत सारे हो गए। मेरा भी है उसमें और चीचू का है, एक सारे
साली झूठ बोलती है। हाँ छोड़ चल, गाड़ी में खाएंगे बैठ करके आराम से। जीजू तो आगे आगे भागे जा रहे हैं, ऐसे लगा जैसे पीछे कोई है ही नहीं। सारा कुछ खाया पिया हो गया, अब हमारी बारी है फालूदा खाने की, मतलब ये आइसक्रीम से क्या की बहुत अच्छी और बहुत ज्यादा टेस्ट है। सच में यहाँ का आइसक्रीम खाकर ना बहुत ज्यादा मजा आता है। तो आज हमने इतना खाना खाया जितना खाया जा सकता था। आखिर इस छोटे से पेट से कितना खाना खाया जा सकता छोटा था। सा पेट छोटा नहीं है ये ऐसे पता, मैं बहुत ज्यादा मोटी होगी, बहुत मोटी। हमें गाड़ी पे बिठा रखा है, ये लोग पता नहीं क्या करने गए उस शॉप पर। चलो पहुंच गए हम लोग घर, लॉक कर देती हूँ गाड़ी को। हो गया ना, एक ही बार तो मानने है ना, चेक कर लेती हूँ एक बार। ओके हो गया, एक बार और। ओके ठीक है, चेक कर लिया मैंने, चेक करने की जरूरत नहीं। आ जा, दूध वाले भैया दूध भी रखकर चले गए, आधे केजी दूध। ऐसे पता है हमारे पहले के दूध खत्म नहीं हो रहे और आधे केजी आ गए। खीर बना ले। खीर मेरे को बनाना नहीं आता ना, ये तो बात है। खीर बनाने में कोई वो नहीं है, ठीक है। चावल डालो दूध में, हाँ। सीधा गरम करो, बन गए खीर। यार बोला कितना ऐसे काम करा, तू ही बना के खिला दे, मैं कर लूं सब कुछ। हाँ एकदम बना दो, ठीक है। हाँ, बहुत अच्छी बात है, आजा बनाते हैं। फाइनली मेरा व्लॉग तो एडिटिंग हो चुका है, एंड पता है आज का दिन मेरा सच में बहुत ज्यादा अच्छा बीता, क्योंकि इतने सारे हमने रील्स शूट किया ना। अगर आप लोगों को मेरा रील्स देखना है तो नीचे मैंने डिस्क्रिप्शन में अपने इंस्टाग्राम का लिंक दिया है, तो फटाफट से जाओ फॉलो करो और सारे रील्स आपको वहीं पर देखने को मिलेंगे। एंड आप लोग को मेरा आज का व्लॉग देखकर काफी ज्यादा अच्छा लगा। अगर व्लॉग अच्छा लगा तो प्लीज व्लॉग लाइक कर देना, चैनल सब्सक्राइब कर देना। तभी मैं चलती हूँ, बाय बाय, टेक केयर।